हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियानो। मैं सौम्या सिंह आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अमेज़ॉन फैशन एंड ब्यूटी हॉल। अमेज़ॉन पे इस बार मैंने परचेज़ किया वेस्टर्न वेयर ड्रेस और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के मुझे वहाँ वेस्टर्न वेयर ड्रेस मिल गए जो मैं हमेशा पहनती हूँ। मैंने वही मंगवाया है, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। और अगर आप भी इस तरह के ड्रेस लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही सही प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको वहाँ मिल जाएगी। और ऐसे ही और भी ड्रेस और भी प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं, तो आप घर बैठे ही सेफ होकर अमेज़ॉन से शॉपिंग कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है सभी प्रोडक्ट के, तो फटाफट जाइए और शॉपिंग करिए। और मैंने क्या क्या लिया है चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जीन्स मंगवाई है, मैंने यहाँ दो जीन्स मंगवाई है। और सबसे पहले जो जीन्स है वो ये है, और डार्क ब्लू कलर की है, बीच में लाइट कलर का इस तरह का शेड दिया गया है। और अगर साइड में देखेंगे तो इस तरह के कट वाले निशान है इसमें, हल्का सा जैसे नहीं होता है धागा निकला हुआ, पर निकला नहीं है, लुक वैसे ही है और कट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम काट दिया गया है, वो धागे से ही इसको डिज़ाइन दी गई है इसकी। और ये जैगर जीन्स है, यानी नीचे भी इलास्टिक लगी है, ये खुला हुआ नहीं है, ये नीचे से टाइट हो जाता है, तो लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जीन्स मेरे पास नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना अमेज़ॉन से कुछ नया ट्राई किया जाए। और इस तरह की बहुत सी जीन्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, जो भी आपको पसंद आता है आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपने इसे पहना है और आपके पास है वो भी मुझे बताइएगा। कपड़ा बहुत ही स्ट्रेचेबल है, और ऐसा नहीं है कि इसका जो कपड़ा है वो पतला है, तो मुझे तो ये जीन्स बहुत पसंद आई। दूसरी जो जीन्स है वो मैंने मंगवाई थी डार्क ब्लू ही कलर की, पर ब्लैक उन्होंने दे दिया है, तो हो सकता है कि मैं इसे रिटर्न भी कर दूं, और नहीं करूंगी तो मैं इसे यूज़ करूंगी, क्योंकि ब्लैक भी जीन्स अच्छी ही लगती है, पर ब्लैक मेरे पास थी और मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ब्लू ही मंगवाया था, पर कोई बात नहीं। और इसकी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह की है, ये तो ब्लैक हो गया, और ये फ्रंट है, फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो साइड में इसमें पर्ल्स यानी वाइट कलर की मोतियां लगी हुई हैं और एक दो निकली भी हैं, इस वजह से मुझे लग रहा है कि इसे रिटर्न कर देना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इसे 15 डेज़ के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। और ये सुविधा बहुत ही बढ़िया है, एक दो प्रोडक्ट ऐसे पहले भी आए थे तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झिकझिक नहीं है। तो आपके पास अगर इस तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप भी रिटर्न कर सकते हैं, और आप अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया यूज़ करें। वैसे ये बहुत कम होता है कि थोड़े ख़राब प्रोडक्ट आ जाते हैं, और मेरे साथ एक ही दो बार हुआ है। तो ये ब्लैक कलर की जीन्स है, जीन्स मंगवाया है तो कुछ कुर्ती और टॉप भी चाहिए, तो यहाँ मैंने बहुत प्यारी सी एक कुर्ती मंगवाई है, और ये प्योर कॉटन की कुर्ती है, कलर आप देख सकते हैं, 3/4 इसकी स्लीव है और इस तरह का लटकन इसमें दिया गया है, थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है ना वो राजस्थानी लुक दे रहा है मुझे, तो ये देखिए। और ये फ्रिल है, यहाँ से कमर से ऊपर से ही, कमर के ऊपर से ही इसमें फ्रिल दी गई है और घेर है यानी इसमें, और नीचे इस तरह के लटकन लगे हैं जो इस कुर्ती के लुक को और भी खूबसूरत कर दे रहा है। तो मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और गर्मी में पहनने में बहुत ही मज़ा देगा, क्योंकि इंडिया में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने इस तरह की एक कुर्ती मंगवाई है, और उम्मीद है कि आपको भी कुर्ती पसंद आई होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसमें 2-3 कलर है, तो मैंने तो मैरून मंगवाया है, और इसमें शायद ब्लैक भी है, और एक इससे भी डार्क कलर है, तो आप कोई भी मंगवा सकते हैं, और ज़रूर बताएं कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। सेकेंड भी मैंने कुर्ती ही मंगवाई है, और ये देखिए, ये भी मैरून से थोड़ा सा डार्क है, और ये देखिए इस तरह की कुर्ती है, नेक पे इसके रेशम का वर्क है, और इस तरह की कुर्तियाँ आप डेली वेयर में पहन सकते हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या घर पे भी आप जीन्स पहनते हैं तो इस तरह की कुर्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही कम्फर्टेबल होती हैं। तो ये कुर्ती है, और बाहें 3/4 हैं, इसमें भी लटकन दिया है, और इसे आप चाहे तो टाइट भी कर सकते हैं, उसमें टाइट करने वाला नहीं था, पर इसको खींच के आप टाइट भी कर सकते हैं। तो ये एक कुर्ती है, और कपड़ा जो है ये रेयॉन कॉटन है, तो बहुत सॉफ्ट वाला फील दे रहा है,
तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर चेक करें। इसमें भी कई कलर हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं या दो तीन कलर आप मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो कुछ इस तरह दिखता है, कलर आप देख ही रहे हैं, ब्लू, येलो और मैरून इसमें भी है। और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा मुझे लगा, आजकल बहुत फैशन में है, जीन्स पे लोग लॉन्ग पहन रहे हैं। ये मैक्सी ड्रेस है या आप इसे फ्रॉक भी कह सकते हैं, पर मैक्सी ड्रेस उसमें लिखा हुआ था तो मैंने आपको बताया है ये, कि जिससे आपको सर्च करने में आसानी होगी। नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये आजकल एकदम फैशन में है, जीन्स पे लोग लॉन्ग पहन रहे हैं और एक साइड से कटा होता है जीन्स दिखती रहती है, या आप लेगीज पहन रहे हैं तो उस पर भी आप इसे पहन सकते हैं। कई कलर हैं इसमें और बहुत ही सही प्राइस पे आपको अमेज़ॉन पे मिल सकता है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह का ड्रेस लेना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं और दाम भी कम होना चाहिए, तो आप ज़रूर चेक करिएगा अमेज़ॉन पे। कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है और लुक वाइज भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जीन्स हो गया, टॉप हो गया, तो अब स्लीपर भी चाहिए, तो मैंने इस तरह की प्यारी सी जूती मंगवाई है और ये बाटा की है, ब्लू कलर की है। इसमें मैरून कलर की भी थी पर मैंने ब्लू मंगवाया, क्योंकि ब्लू एक ऐसा कलर होता है जो हर ड्रेस पे, ज़्यादातर ड्रेस पे चल जाता है। तो मैंने इस तरह की जूती या आप सैंडल जो भी कह लें ये मंगवाया है। पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर जो ये इसका दिया गया है आगे का, इस पर जालियाँ बनी हुई हैं और पीछे ये है, जैसे आपका पैर एकदम इसमें अच्छे से फिक्स रहेगा, कहीं भी निकलेगा नहीं। और इसमें मैरून भी है, आप अगर मैरून लेना चाहें तो मैरून ले सकते हैं। हल्की सी इसमें हील है, एक इंच से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, या एक इंच हो सकती है, मतलब एक से डेढ़ इंच के करीब की ये हील दी गई है इसमें। और बहुत ही कंफर्टेबल है, बाटा कंपनी है, तो आप समझ ही रहे हैं कि कंफर्टेबल के साथ बहुत ही टिकाऊ है, क्योंकि बाटा के चप्पलें और जो भी सैंडल जूते होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं। यानी मैंने तो अभी तक जितने भी यूज़ किए हैं वो टूटते नहीं हैं, बाद में आपको उसको फेंकना ही रहता है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी मैंने सैंडल मंगवाई है और बहुत ही सही प्राइस पे मुझे अमेज़ॉन पे मिल गई। ये 550-600 के अंदर ही थी, तो आप इसे ज़रूर चेक करिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप इसे परचेज़ करें। लास्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये मंगवाया है, ये पर्स नहीं है, ये है मैनीक्योर सेट है ये, और जैसा लग रहा है एक पर्स है। तो आप इसे किसी को गिफ्ट कर देंगे तो पहले तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप उसे दिए क्या है, उसे तो लगेगा बहुत प्यारा सा, बहुत ही स्लिम पर्स आपने उसको हैंडी पर्स दिया है। पर ये मैनीक्योर सेट है और अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही मुझे प्यारा लगा। तो ये सेट है पूरा और इसमें आपको नेल कटर, सीज़र और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता है। तो इस समय क्या है कि हम लोग घर पे ही रह रहे हैं और बहुत से काम करने रहते हैं, तो हाथ की सफाई और नाखून कट करना ये सब हम लोग को ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इस तरह का आप सेट मंगवा सकते हैं और बहुत ही सही प्राइस में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। और लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, कहीं भी आप इसे आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। और अगर आप किसी को कुछ अलग सा गिफ्ट करने को भी सोच रहे हैं और बजट आपका कम है तो ये आप ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सा ड्रेस यानी कौन सी जीन्स या कौन सा टॉप या ये आपको पसंद आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट जाएं चेक करें और जो भी पसंद आता है ख़रीदें। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।